लाइफ में कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब हम किसी भी चीज़ से पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक ऐसी फीलिंग जब उम्मीद से ज़्यादा वापस मिल जाता है और दिल से सीधे वाह वाह निकलता है। कुछ वही हाल हमारी फिल्मों का भी है, जिसमें 100 में से 90 मूवीज़ एकदम बकवास निकलती हैं, बची हुई 10 में से 9 ठीक ठाक निकलती हैं, लेकिन जो लास्ट वाली बची हुई है वो आपके होश उड़ा देती है। आसान भाषा में बोलूँ तो मास्टरपीस। इस हफ्ते एक ऐसी फिल्म रिलीज़ हुई है जो इंडियन सिनेमा पे आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, एक ऐसा सिनेमा जो आपके दिमाग को चैलेंज करने की ताकत रखता है। हंसी आती है मुझे उन लोगों पे जो इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड के पैरों की धूल मानते हैं। ज़रा नींद से जागिए और साउथ मूवीज़ को एक्सपीरियंस करके देखिए। मैं वादा करती हूँ आपको हॉलीवुड की बराबरी का नहीं बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा वापस मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ अवाने श्रीमन नारायण, इंग्लिश में बोलूँ तो एडवेंचर्स ऑफ श्रीमन नारायण। देखो यार, मुझे नहीं पता ASN जैसी मूवी को इतनी कम स्क्रीन क्यों दी गई है, वहीं बॉलीवुड की घटिया मूवी को भी 1000-2000 स्क्रीन तो ऐसे ही मुफ्त में बांट दी जाती हैं। प्लीज़ ये डर्टी पॉलिटिक्स वाला गेम बंद कर दीजिए और लोगों को इंटेलिजेंट कंटेंट देखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। साउथ मूवीज़ को सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में प्रॉपर शोज़ मिलने चाहिए, क्योंकि यही वो फिल्में हैं जो इंडियन सिनेमा को पूरे दुनिया में एक अलग पहचान दिलाएंगी। रिव्यू स्टार्ट करूं उससे पहले दो ज़रूरी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। पहली ये कि ASN को फिलहाल कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है, इसके बाकी लैंग्वेजेस में डब्ड वर्जन नेक्स्ट ईयर जनवरी में रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, फिल्म का जो कन्नड़ा वर्जन रिलीज़ हुआ है उसमें आपको इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है तो आज ही जाइए थिएटर्स में और फिल्म को देख डालिए, बस लैंग्वेज की थोड़ी सी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। दूसरी ज़रूरी बात ये कि फिल्म के जो लीड एक्टर हैं रक्षित शेट्टी, उनको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग उनके बारे में पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन उनकी जो लास्ट मूवीज़ हैं जैसे कि किरिक पार्टी, वो IMDB की टॉप रेटेड लिस्ट में काफ़ी ऊपर हैं। रक्षित एक ऐसे एक्टर हैं जो इंडियन सिनेमा को चोरी चोरी इनोवेट कर रहे हैं, लेकिन उनके टैलेंट को जो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए वो अभी तक थोड़ी सी मिसिंग है। उम्मीद करती हूँ ASN के बाद उनको वो पहचान मिल जाएगी जो वो पूरी तरह डिजर्व करते हैं। बात करूँ ASN की तो फिल्म की स्टोरी लाइन एक ट्रेजर यानी खजाने के इर्द गिर्द लिखी गई है जो अचानक से गायब हो चुका है। अब चोरी हुई है तो चोर तो होगा ही और उसको पकड़ने के लिए पुलिस की जरूरत तो पड़ेगी ही। बस यहाँ से कहानी में रक्षित शेट्टी की एंट्री हो जाती है। ये एक करप्ट टाइप के पुलिस ऑफिसर हैं जो दिमाग से काफी चालाक हैं और हर सिचुएशन में लोगों से पहले अपने पर्सनल फायदे को आगे रखते हैं। इनके काम करने का तरीका थोड़ा टेढ़ा जरूर है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में ये आपको पूरी तरह शॉक कर सकते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब खजाने को ढूंढने के चक्कर में फिल्म में दो भाइयों के बीच में पावर वाली लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। जिसको खजाना मिल गया समझ लो वो राजा बन गया। इन दोनों के बीच में बुरे तरीके से फंस जाते हैं रक्षित शेट्टी, जिनका काम है छुपे हुए खजाने को ढूंढ के निकालना। फिल्म की थीम एक जिग्सो पजल की तरह है, जिसमें ऑडियंस का काम है सारे पीसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना और फिल्म के छुपे हुए सरप्राइज को बाहर लेकर आना। ASN एक इंटेलिजेंट फिल्म है जिसमें पूरे 3 घंटे आपके दिमाग का एग्जाम लिया जाता है और लास्ट में जब आप पास होकर थिएटर से बाहर निकलते हो तो दिल और दिमाग में वही सेटिस्फेक्शन फील होता है जिसकी तलाश हम सब कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मिलता किस्मत वालों को है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है खुद रक्षित शेट्टी, जो पूरी कहानी को अपने हिसाब से फिल्म में चलाते हैं। जिस तरीके से उनको एक देसी शेरलॉक होम्स वाले कैरेक्टर में प्रेजेंट किया गया है, वो आपके दिमाग के साथ पूरी तरह खेल जाते हैं। उनका रोल काफी चैलेंजिंग है, लेकिन जिस कंफर्ट के साथ वो कैरेक्टर में घुस गए हैं आप उनके लिए तालियां बजाने पे मजबूर हो जाओगे। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ASN एक वन मैन शो है जिसका पूरा क्रेडिट रक्षित शेट्टी की पावरफुल एक्टिंग परफॉर्मेंस को मिलना चाहिए। फिल्म का नरेशन स्टाइल काफी यूनिक और फ्रेश है, जिस तरीके से एक पीरियोडिक स्टोरी लाइन हमारे सामने रखी गई है और एक फिक्शनल दुनिया तैयार की गई है, पूरे 3 घंटे हम सब उसमें फंसके रह जाते हैं, जैसे मानो अमरावती कोई असली जगह है जहाँ पे खजाने के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं। फिल्म का एक्स फैक्टर है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर मोमेंट पे आपको याद दिलाता रहेगा कि ASN कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है। तो यार, कम शब्दों में बोलूँ तो ASN एक मैजिकल फिल्म है जो कभी कभी गलती से इंडियन सिनेमा में देखने को मिल जाती हैं। कहानी में आपको मिस्ट्री से लेकर एक्शन कॉमेडी सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप असली सिनेमा का मतलब समझना चाहते हैं तो इस फिल्म को मिस करने की गलती सपने में भी मत करना। मेरी तरफ से ASN को 5 में से 4 स्टार्स, 1 स्टार रक्षित शेट्टी की दमदार परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार फिल्म की चैलेंजिंग स्टोरी लाइन के लिए, 1 स्टार फिल्म के पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, 1 स्टार फिल्म के बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के लिए जो नकली दुनिया को भी असली बना देती है। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1/2 स्टार कटेगा फिल्म में डाले गए थोड़े बहुत कमजोर विजुअल इफेक्ट्स के लिए और 1/2 स्टार फिल्म की काफी लंबी ड्यूरेशन के लिए, जो काफी लोगों को बोर कर सकती है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।